आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमान जैन गोलचा का सादर नमस्कार। आज मैं दला गला कमेटी पंजीकृत न्याय बाजार के श्री आशुतोष जी जो उपप्रधान पद को सुशोभित कर रहे हैं, और मुझे ये कहते गर्व हो रहा है। गर्व इसलिए हो रहा है कि मेरे भाई बड़ा भाई श्री पुरुषोत्तम दास पंडित पुरुषोत्तम जी शर्मा के सुपुत्र है, जो मेरे भाई के स्वाद तुल्य थे वो। और हमेशा हम दोनों जब एक दिन नहीं मिलते तो आपस में वो अच्छा नहीं लगता। दो दिन लगता बोले हनुमान कहेंगे, मैं पूछा तो भाई साहब बुद्ध कहा रहे। इस तरह हमारा प्यार था। और मेरे आशुतोष जी ने खुद देखा है तो आज तो मुझे गर्व होना चाहिए कि मेरा भतीजा आज उप प्रधान सीट को जिला जिला कमेटी के उप प्रधान सीट को सुशोभित कर रहा है। उनसे आज साथ साथ व्यापारी भाइयों से आपसे करवा रहा हूँ। व्यापारी भाइयों आप हमारे आदरणीय हो, हमारे चाचा हो, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। और कैसे क्या है आप जरा सा मुझे आपसे अब आप बोलो ऊपर वाली सीट देखते हो जहाँ कहना पड़ रहा है कहना भी घर में चाचा भतीजा बाहर चाचा भतीजा जिस सीट में बैठे हो आप वो प्रधान की सीट है। इसको आप कैसा महसूस हो रहा है और कब आया कैसे आया हमें भी सारा पता है, फिर व्यापारी भाइयों को सबको जानकारी अपने को दे रही है उसके बारे में थोड़ा सा व्यापारी भाइयों के लिए जानकारी देने को करें। आपसे तो कुछ छुपा है ही नहीं, नए बाजार में मेरी शुरुआत सन 94-95 के आसपास हुई थी बराबर। और जब इसे बाजार में चावल की दलाली ही कर रहा हूँ और भाई साहब भी हाँ पिताजी भी हमारे चावल के ही दलाली करी है उन्होंने, और 1988 में वो इसी दलाल कल्ला कमेटी के उपप्रधान अच्छा बने भी थे। बिल्कुल ठीक है। तो बस इस वर्ष सब दलाल भाइयों के जोर देने पर और सबके प्यार को देखते हुए मैंने उपप्रधान सीट पर चुनाव लड़ा, और आप सबका प्यार और सबके आशीर्वाद से आप सबने मुझे विजयी बना दिया। पहली बार चुनाव लड़ा? हाँ नए बाजार में पहली बार चुनाव लड़ा। नए बाजार पहली बार में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उप प्रधान बना के भेजा। और इसके अलावा और संस्थान से नए बाजार में पहला चुनाव है, लेकिन इससे पहले मैं अपने सेक्टर 11 RWA का तकरीबन 6-7 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी ब्लॉक जिला और कई लेवल पर पद मिल चुके हैं मुझे, और वर्तमान में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट हूं। और प्रयास यही रहता है कि कार्य करते रहे, पद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो पद आपके पास आते रहेंगे, और अगर आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो कोई भी पद जो है वो आपके कार्य से पद की सुशोभिता होती है, पद से कार्य की सुशोभिता कभी नहीं होती। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या महसूस हो रहा है आपको? मैं मुझे आपको आपसे जैसे व्यवहार रहा है आज बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, क्योंकि घर में आप तो घरेलू आदमी हो हमारे, तो आपने जैसे कहा कि भाई मैं आपके लिए हमेशा बच्चा ही रहूंगा, भतीजा ही रहूंगा आपके लिए कोई उपप्रधान नहीं हूँ। हाँ ये है कि पद है तो भाई उस हिसाब से जरूर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, ठीक बात। लेकिन बुजुर्गों के लिए कोई पद नहीं, बुजुर्गों के लिए हम बच्चे ही हैं और बच्चा बन के ही कार्य करेंगे। ये डिजिटल का जो शुरू करा है भाई, इसके बारे में क्या क्या है? डिजिटल का जो आपने, मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ, आपकी पॉकेट डायरेक्टरी भी बहुत देखी है, बड़ी डायरेक्टरी भी आपने निकाली है, समय समय पर जैन समाज की और अन्य समाजों की भी आपने बहुत डायरेक्टरी निकाली है। लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उम्र के इस पड़ाव पर आपने जो डिजिटलाइजेशन का एक तरह से सोच लेके आए हैं तो ये युवाओं को मात देने वाली बात है, क्योंकि ये चीज की सोच आज का युवा सोचता है। अगर आपने ये चीज सोची है तो मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन करूंगा, और साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि नया बाजार ही नहीं देश भर के व्यापारी वर्ग को जिस तरह से संगठित करके आप एक क्लिक में सबको लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है। इससे व्यापारी वर्ग को और व्यापार को गतिशीलता मिलेगी, और भगवान से प्रार्थना है कि भाई व्यापार सबका उन्नत हो, इसीलिए आप और हम नए बाजार में बैठे हैं और प्रयास करेंगे। और आप तो करते आ ही रहे हो, तो आपके प्रयासों को तो हम
सदा ही देखते आए आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद की जरूर पहुंचाऊंगा, वो तुम्हारा बच्चा ही है उसे शुभकामना आशीर्वाद मेरे लिए शुभकामना इसके लिए आशीर्वाद आशू भाई अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। आशू भाई भी आपके साथ मैं लगातार देख रहा हूँ 2-3 सालों से और ये आशू भाई का प्रयास है और जहाँ तक मेरी सोच है जिस हिसाब से इनकी मेहनत और लगन चल रही है ये मेरा मानना है कि जो आपने बाजार में जीवन में अपने 50-53 साल दिए हैं और जो एक नाम है हनुमान मन जैन गोलछा जी का, मेरा मानना ये है कि उस नाम को 4 गुना आगे ले जाएंगे। ऐसा मैं इनकी मेहनत लगन को देख के दावे के साथ कह सकता हूँ। व्यापारी भाइयों, आज आपने भी सुना होगा कि भतीजे ने क्या बढ़िया इंटरव्यू दिया है मेरे बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में, डिजिटल डायरेक्टरी के बारे में और इस बच्चे के बारे में सारा कुछ समेट दिया थोड़े से समय में। वाह भाई आशुतोष, आज तुम खुश कर दी मेरे भाई, खुश कर दी ये सब। मेरा बड़ा भाई भी आपको आशीर्वाद दे रहा होगा कि मेरा बच्चा मेरे भाई को कितने बड़े मान सम्मान के साथ किस ऊंचाई में देखना चाह रहा है। आज मेरी तबीयत खुश हो गई आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष। ये सब भी मैंने आपसे ही सीखा है और अंत में सिर्फ आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, आगामी 9 तारीख शनिवार को तलाल गल्ला कमेटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शाम महोत्सव का प्रोग्राम हम नए बाजार मेन रोड पे करने जा रहे हैं। आप सभी से, व्यापारी वर्ग से, समाज में जो भी यहाँ व्यापारी वर्ग है और जो भी नए बाजार में कार्यरत हर एक व्यक्ति है, हमारी दलाल गल्ला कमेटी की तरफ से सादर आमंत्रित है, आए और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें और नए बाजार की उन्नति की कामना करें। साथ ही आप सभी को एक और सूचना देते हुए मैं बहुत ही हर्षित हूँ कि 9 मार्च के दिन ही शाम, जिस दिन श्याम खाटू जी का कीर्तन है, उसी दिन हमारे प्रधान श्री महेंद्र मित्तल जी, हमारे वरिष्ठ प्रधान राम रतन कसाना, हमारे उप प्रधान श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, हमारे उप प्रधान श्री रमेश चंद गोयल और हमारे महामंत्री श्री आशुतोष जी, वो तो मैं हूँ ही, अपना नाम और उप प्रधान तृतीय पे जैसे मैं हूँ आशुतोष कौशिक, महामंत्री पद पर रवि कुमार पारिक और मंत्री पद पर नीरज कुमार मित्तल, संयुक्त मंत्री पर सुशील कुमार जैन और कोषाध्यक्ष पद पर सुरेश कुमार मित्तल जी। तो हमारी पूरी टीम ने एक निर्णय लिया और नए बाजार के शायद इतिहास में पहली बार दलाल गल्ला कमेटी द्वारा उठाए गए कदम है कि हमने संयुक्त रूप से एक निर्णय लिया कि दलाल गल्ला कमेटी पंजीकृत के जो सदस्य 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन, स्नेह, आशीर्वाद और अनुभव मिलता रहा, जिनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं, आप भी उनमें से एक हैं, तो आप और आप जैसे उन सभी बुजुर्ग हमारे जो हैं, हमारी इच्छा थी कि हम समय समय पर दिए गए उनके मार्गदर्शन के लिए एक सम्मान समारोह करें। बहुत अच्छा। अरे भाई आशुतोष, कमाल कर दिया भाई आपने, कमाल कर दिया। और इसीलिए एक छोटा सा प्रयास है कि समारोह की आरंभ में हम अपने उन सभी बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। एक छोटा सा प्रयास है कि हम उनके दिए हुए मार्गदर्शन और प्यार के लिए उनको बुला के उनका सम्मान करें। तो इस प्रयास को सफल करने के लिए, क्योंकि आप सभी बुजुर्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो अपनी उपस्थिति वहाँ जरूर दें और हमारे प्रयास को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हमारा वहां पर भी मार्गदर्शन करें। अक्षर जी, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको। जी प्रधान जी सुन रहे हैं, सुनेंगे इस चैनल के द्वारा सुनेंगे जी। महेंद्र कुमार जी मित्तल साहब को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, इतना बढ़िया एक कार्यक्रम, मैं तो सोच रहा हूँ मैं ही साक्षात्कार कर रहा हूँ और आप लोगों ने तो सबको सम्मानित करने का निर्णय लिया है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। ये क्या कर, हम जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिनका नहीं हो पा रहे, वो तो आगे आ ही रहे, अरे हम जैसे कहाँ हैं, उनका कितना अच्छा लगेगा। ये मैं प्रधान जी को, आपकी टीम को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये प्रयास बाजार के प्रति नहीं, ये भारतवर्ष में संदेश जाएगा, पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
आशुतोष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं है, सब आपके सिखाए हुए मार्ग पर चलने का थोड़ा सा प्रयास है। और पुनः मैं एक बार आपसे फिर निवेदन करूंगा कि नए बाजार में कार्यरत हर एक व्यक्ति की पिछले कई वर्षों से इच्छा थी कि श्याम बाबा का कीर्तन जो है वो दोबारा बाजार में हो, और अब की बार सब भाइयों के बार बार कहने पर हमारे प्रधान श्री महेंद्र मित्तल और हमारी पूरी टीम ने निर्णय लिया कि इस कीर्तन को बाजार में ही करवाया जाए। तो आप सबकी इच्छा अनुसार और बाबा की कृपा के अनुसार ये कीर्तन अब इस वर्ष बाजार में हो रहा है। तो सबसे सिर्फ यही निवेदन है कि इसको सुव्यवस्थित रूप से, बहुत अच्छा, सुचारू रूप से और संगठित होके हमने सफल बनाना है, और बाबा की कृपा इसी प्रकार इस नए बाजार को मिलती रहे ताकि हम सब का व्यापार उन्नति की ओर चलता रहे और नए बाजार का नाम विश्व में इसी प्रकार सदैव चलता रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।